Hello friends, this is Suman and welcome to electric classes. आज हम करेंगे मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एमसीक्यू सीरीज़ जो क्विज़ हमने करी थी टेलीग्राम ग्रुप पे उसके डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस यहाँ पे काफ़ी क्विज़ हम वहाँ पे कर रहे हैं तो अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है ग्रुप तो ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे क्विज़ जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं अभी एग्जाम में बहुत कम दिन रह गए हैं आर एस एम एस एस भी जेई के लिए स्पेशली एक क्विज़ है तो स्टार्ट करते हैं उसके सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो जिन लोगों ने भी अटैम्प्ट करिए क्विज़ और सॉल्यूशंस नहीं पता है उनको या फिर कोई डाउट है तो वो यहाँ पर देख सकते हैं अपने सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन था टू मीटर्स एक्स एंड वाई रिक्वायर्ड फोर्टी मिली एमपियर एंड फिफ्टी मिली एमपीयर रेस्पेक्टिवली टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन देन दो मीटर्स हैं अपने पास में एक्स एंड वाई एक के अंदर क्या है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो है फोर्टी मिली एमपियर है और एक को रिक्वायर्ड है फिफ्टी मिली एमपियर उसके बाद पूछ रहे सेंसिटिविटी के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर कौन सा कम सेंसिटिव है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसिटिविटी किस तरह से निकालते हैं सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रपोर्सनल टू फुल स्केल करंट ठीक है ये होता है आपका आई ये होता है आपका फॉर्मूला सेंसिटिविटी का तो जिसकी फुल स्केल करंट कम होगी उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो आपका कौन से का करंट कम है फोर्टी मिलियम्पियर और फिफ्टी में से तो फोर्टी मिलियम्पियर एक्स मीटर की करंट जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो कम है इसका मतलब क्या होगा सेंसिटिविटी ऑफ मीटर एक्स विल बी हाई तो एक्स विल बी मोर सेंसिटिव तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ठीक है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इजी है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सेंसिटिविटी और फुल स्केल रिफ्लेक्शन जो है उसमें क्या रिलेशन होता है तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेंसिटिविटी ऑफ एल वी डी टी इज मैनली ड्यू टू एल वी डी टी होता है आपका लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है तो एक तरह का ये ट्रांसफॉर्मर यूनिट होती है आपकी इसके अंदर क्या होता है आपके पास एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है ठीक है एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है इसके अंदर जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो होती है वो क्या होती है आपके सीरीज में कनेक्टेड होती है लेकिन फेज अपोजिशन में होती है इस तरह से आप बता सकते हैं फेज अपोजिशन में तो ये होता है आपका एक प्राइमरी होती है दो सेकेंडरी होती है सेकेंडरी जो होती है कनेक्टेड होती है सीरीज में एंड फेज अपोजिशन में तो सेंसिटिविटी जो होती है एलवीडीटी वीडियी की वो किस वजह से होती है या फिर किस चीज़ पे डिपेंड करती है तो सेकेंडरी वोल्टेजेस पे डिपेंड करती है अगर एग्जैक्ट कैंसिलेशन ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज हो जाता है तो आपकी सेंसिटिविटी हाई होती है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेंसिटिविटी है ऑफ एल वी डी टी इज मेनली ड्यू टू एग्जैक्ट कैंसिलेशन ऑफ सेकेंडरी वोल्टेजेस ठीक है और जो एल वी डी टी का जो आउटपुट होता है आपका ये एल वी डी टी क्या करता है लीनियर मूवमेंट जो होता है आपका लीनियर मोशन जो होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं उसको ये क्या करता है इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी में कन्वर्ट कर देता है और जो आउटपुट होता है वो सेकेंडरी करंट्स का जो है मैग्नीट्यूड होता है सेकेंडरी करंट डिफरेंस होता है करंट्स का तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि सेकेंडरी वोल्टेजेज़ का एग्जैक्ट कैंसिलेशन होता है उस पर डिपेंड करती है सेंसिटिविटी ठीक है तो ऑप्शन

स्पाइरल स्प्रिंग्स आर यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स टू स्पाइरल स्प्रिंग्स होती है अपने इंस्ट्रूमेंट में जो स्प्रिंग यूज में लेते हैं अपन कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है मेनली ये स्पाइरल स्प्रिंग्स जो होती है किसकी बनी हुई होती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है खास करके फॉस्फोर ब्रोंज की ठीक है फॉस्फर ब्रोंज की बनी हुई होती है ये भी ध्यान रखना है पूछा जा सकता है एग्जाम में

विच वन ऑफ द फोलोइंग डिसाइड्स द टाइम ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको पता है टाइम ऑफ रेस्पॉन्स की बात करें अपन तो कौन डिसाइड करता है डैम्पिंग सिस्टम आपका जो है कितना इफेक्टिव है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जितना जल्दी ओ सिलेशन को डैम्प आउट करता है या फिर जो भी डिस्टर्बेंसेज रहते हैं उनको डैम्प आउट करता है उतना ही आपका स्पीड ऑफ रेस्पॉस टाइम ऑफ रेस्पॉस इंक्रीज हो जाता मतलब स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स बढ़ जाता है फास्ट रेस्पॉन्स होता है तो टाइम ऑफ रेस्पॉन्स डिक्रीज हो सकता है उससे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डैम्पिंग से

अपॉन टू टू दी पावर एन माइनस वन ठीक है एन क्या आपका नंबर ऑफ बिट्स है यहाँ से आप निकाल सकते हैं फुल स्केल वोल्टेज आपका दे रखा जीरो टू टेन वोल्ट के अंदर तो टेन लिख सकते हैं यहाँ पे टू टू दी पावर ट्वेल्व आपका बिट दे रखा है यहाँ पे माइनस वन तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर कैलकुलेशन करने पड़ रही तो ये आएगा नहीं अगर कैलकुलेटर अवेलेबल होता है आपके पास तो आप कर सकते हैं इसको तो यहाँ से आप सोल्व करके इसका रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं आपका टू पॉइंट फाइव मिलीवोल्ट आएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे जा सकते हैं बहुत ही ईजी जैसे ट्वेल्व बीट है यहाँ पे बहुत ईजी दे सकता है कुछ भी तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए रिजोल्यूशन का क्या फॉर्मूला है इस तरह से एडीसी कन्वर्टर की अगर बात करें अगर एक्यूरेसी पूछ रहे हैं तब भी आप यही यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन बियरिंग ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ ज्वेल्स ये आपको पता होगा कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसके अंदर बियरिंग जो होती है बियरिंग्स जो होते हैं ज्वेल के बने हुए होते हैं ज्वेल क्या होता है आपका एक टाइप का मटेरियल होता है ज्वेल और ज्वेल बियरिंग्स जब अपन यूज में लेते हैं इससे क्या एडवांटेजेस होते हैं आपका ज्वेल बियरिंग्स जो होती है उनका वेट कम होता है साइज भी कम होती है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए इसके एडवांटेज साइज कम होती है आपका वेट जो होता है वो कम होता है आपका एनवायरमेंटल कंडीशन जो होते हैं किसी भी तरह की हो कोरोजन से इसको इफेक्ट नहीं पड़ता कोरोजन जो एनवायरमेंट होता है आपका उसके अंदर भी इसको यूज में लिया जा सकता है इसके अलावा आपका टेम्परेचर सेंसिटिव होता है ये काफ़ी स्टेबल होता है तो इस तरह के होता है पी एमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में जो है अपन स्पायरल स्प्रिंग्स जो यूज़ में ले रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उन स्प्रिंग्स को जो है अपन ज्वेल बियरिंग्स के अंदर फिक्स करते हैं और मूविंग सिस्टम होता है वहाँ पर तो इस तरह से आपका जो ज्वेल बियरिंग्स जो होती हैं वो क्यों यूज़ में लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन टू यूज़ ज्वेल बियरिंग्स तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ द मूविंग सिस्टम मतलब आपका सिस्टम ख़राब नहीं हो मूविंग सिस्टम उसको अवॉइड करने के लिए यूज़ में लेते हैं ऑप्शन बाकी देर के टू प्रोवाइड ए स्मॉल सपोर्ट तो ठीक है इट कैन भी इजिली रीप्लेस टू मेक द सिस्टम रोबस्ट तो मेनली इसका पर्पज़ यही होता है कि ये हर एक एन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है हर एक कंडीशन को सर्वाइव कर सकता है स्टेबल होता है हर टेम्परेचर भी स्टेबिलिटी टेम्परेचर स्टेबिलिटी होती है इसकी तो वियर एंड टीयर आपका मूविंग सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तो इसको अवॉइड करने के लिए यूज में लेते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दे हैं। आपके meter, coil, type, type, तो आपको पता होना चाहिए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं अपन जब अपन मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के एमसीक्यू सीरीज हमने ऑलरेडी कर रखी है काफी हंड्रेड हंड्रेड क्वेश्चंस वहां पे किए हुए हैं डिस्कस तो उस टाइम पे मैंने हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया सारे फैक्टर कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हाई फ्रीकवेंसी पे यूज़ में लिया जाता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है आर वैल्यू के लिए यूज़ में लेते हैं कौन सा एवरेज वैल्यू के लिए यूज़ में लेते हैं कौन सा जो है फ्रिक्वेंसी कितनी यूज में लेते हैं लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी सारी चीज़ें वहाँ पर हर एक क्वेश्चन यहाँ पे छोटे छोटी चीज़ों पर सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं तो वो आप देख सकते हैं एग्जाम आपके आने वाले हैं तो एग्जाम से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको सारी एम सीरीज जो ऑलरेडी हमने की हुई है वो सारी एम सीरीज एक बार आप रिवाइज कर ले वहाँ पे वहाँ पर बहुत

अभी नंबर ऑफ बिट्स पूछ रहे हैं यहाँ पे एक्यूरेसी दे रखी है टेन मिली वोल्ट एक्यूरेसी को आप रिजोल्यूशन भी लिख सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा फुल स्केल वोल्टेज अभी बताया मैंने अपॉन टू टू दी पावर एन माइनस वन यहाँ से आप निकाल सकते हैं रिजोल्यूशन आपको दे रखा टेन मिली वोल्ट फुल स्केल वोल्टेज आपको दे रखा फाइव वोल्ट तो यहाँ पे एन निकाल सकते हैं आप आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आप इसको सोल्व करेंगे ठीक है तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्योंकि कोई इजी वैल्यू देके आपको पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन एंड डायनेमिक फिनोमिना तो आपका फोर्स एंड प्रेशर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके फोर्स जो स्टेटिक फोर्स भी होता है आपका डायनेमिक फोर्स भी होता है इसी तरह अगर प्रेशर की बात करें तो आपका प्रेशर जो होता है स्टेटिक प्रेशर भी होता है और डायनेमिक प्रेशर भी होता है इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है तो इन दोनों को अगर मेजर करना है इन क्वांटिटीज़ को मेजर करना है तो अपन कौन सा ट्रांसड्यूसर ऐसा यूज़ मिले ऐसा ट्रांसड्यूसर यूज मिले जो स्टेटिक एंड डायनेमिक दोनों क्वांटिटीज को दोनों फिनोमिना को मेजर कर पाए ठीक है तो ऐसा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है अपना जो दोनों को मेजर कर पाता है तो इसलिए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर दोनों को मेजर कर सकते हैं और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो है स्टेटिक एंड डायनेमिक फिनोमिना दोनों को मेजर कर सकता है ठीक है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए मतलब स्टेटमेंट वन तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं अगर नहीं भी पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है इसके अंदर काफी चीजें आपको पता चलती है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर्स कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो है स्टेटिक एंड डायनेमिक दोनों को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है या फिर फोर्स को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं या प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज में ले सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आपका फॉर्मेशन हो सकता है इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अभी कंटिन्यूस डेली बेसिस पे हम क्विज़ के सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं अभी थोड़ा टाइम का जो है शॉर्टेज चल रहा था इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं किया था तो अब कंटिन्यू करेंगे एग्जाम तक थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे